आगे 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 अकबर सर आगे अरे आगे हो जाओ व्हाट यू हैव टू सी अबाउट दिस एक्शन दिस कॉल वेट 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 सर अरे थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ जज ने पूछा आपने आपको विटनेस लीड करना है क्या कंप्लेन को प्रूफ करने के लिए हमने बोला हाँ हमें विटनेस लीड करना है इसके लिए मैटर अभी 1 नवंबर को रखा है 2:45 PM क्या कुछ कहे गए हैं मोस्टली देखिए 2 से 3 विटनेस हम एग्जामिन करेंगे जितने में केस प्रूफ हो जाए आशू की तरफ से आपने क्या बोला हुआ है उनकी वाइफ की तरफ से आपने क्या हमने केस रखा है जो हमने अपने कंप्लेन में फाइल किया कि कैसे ये डिफामेटरी स्टेटमेंट है और कोर्ट ने उसका स्टेटमेंट लिया है विटनेस बॉक्स में उनको प्रेजेंट करके बस अब कोर्ट ने बोला आप विटनेस एग्जामिन करना चाहते हैं हमने बोला हाँ हमें एग्जामिन करना है तो कोर्ट ने बोला फिर 1 नवंबर को मैटर रखा गया है 2:45 PM सर आशू ने अदालत में आज विटनेस बॉक्स में बैठ के क्या कहा देखिए हमने जो कंप्लेन फाइल किया है डिफामेशन का सेम स्टेटमेंट उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया है और ज़्यादा कुछ बोला नहीं है जो कंप्लेन में है उतना ही बोला है किस तरह से मीटू का कैंपेन चला है किस तरह से उनका सोसाइटी में आज उनको झेलना पड़ रहा है उनके मतलब जो विनीता नंदा ने एलिगेशन उनके हस्बैंड पे लगाई है फॉल्स एलिगेशन उसके बेसिस से उनको क्या सोसाइटी में उनका डिफेम हो रहा है रेपुटेशन और क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है